दोस्तों, एक ऐसा जासूस जिसकी जाबाजी के किस्से आज भी सुनाई देते हैं, जिसने अपने अकेले दम पर पाकिस्तान से लोहा ले लिया था। दोस्तों, 2012 में जब सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर रिलीज हुई थी, तो कहा जा रहा था कि यह भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की जिंदगी से प्रेरित है, लेकिन इसकी कभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई। अब ताजा रिपोर्ट्स के माने तो सलमान ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर रविंद्र कौशिक की बायोपिक कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरकार कौन थे रविंद्र कौशिक और उन्होंने जासूसी की दुनिया में ऐसा क्या काम कर दिया था कि जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सभी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। जासूस की जिंदगी कभी आसान नहीं होती, पता नहीं कब दुश्मनों को पता चल जाए और मुसीबत खड़ी हो जाए, लेकिन इन सबके बावजूद जासूस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कोताही नहीं बरतते, बल्कि अपने काम को करके ही दम लेते हैं। एक ऐसे ही भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की कहानी, जो पाकिस्तान की नाक के नीचे रहकर भारत के लिए काम करते रहे। इतना ही नहीं, रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच गए। इतने बड़े काम को कौशिक ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया, आइए जानते हैं देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के एक जिले श्रीगंगानगर में 1952 में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। बचपन से थिएटर में अदाकारी दिखाने का शौक रखने वाले रविंद्र कौशिक को शायद ही पता होगा कि उन्हें अपनी जिंदगी के बाकी सालों में स्टेज पे नहीं, बल्कि असल जिंदगी में अदाकारी दिखानी पड़ेगी। 1972 वो साल था जब रविंद्र कौशिक कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल के नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे। उनका रोल एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का था, जो चीनी सेना की गिरफ्त में होने के बावजूद भारत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दे रहा था। इस प्ले को रो के कुछ ऑफिसर्स देख रहे थे और वो इस नौजवान लड़के की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस थे। उन्होंने रविंद्र को दिल्ली बुलाया, वहां उन्हें 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। खतना करवाया गया ताकि उन्हें खुद को मुस्लिम साबित करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद उन्हें उर्दू और धार्मिक इस्लामिक तालीम दी गई। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उनसे बड़ा जासूस ना कोई हुआ और ना ही कभी होगा। यहाँ तक कि मुल्क के बड़े बड़े जासूस भी रविंद्र को अपना गुरु मानते हैं। रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी पाकिस्तान। माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेजिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था। कौशिक का काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का सुराग लगाना। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद ही कामयाब रहा, जिसके बाद 1975 में उसे एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया, और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया। वो नाम जो आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, और वो नाम था नबी अहमद साकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद साकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैठ बनानी शुरू की। अपने रहने के लिए ठिकाना चुना लाहौर को। मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों से बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। कहते हैं कि कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जारी दस्तावेज बनवाए गए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की गई। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में ना सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था, बल्कि वहां की एकेडमिक डिग्री भी हासिल कर रहा था। जाहिर है, एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में काम कतई आसान नहीं था। फिर भी एक सातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चपलता से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना तो सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के उस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था, और ये मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना। नबी अहमद बनकर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में अपनी नई पहचान बना चुके थे। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था कि वो एक जासूस है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। रविंद्र कौशिक का वो कारनामा दिखाने वाले थे जो बाद में जासूसी की दुनिया में एक अमर कथा बन गया। इसीलिए उन्हें नाम दिया गया ब्लैक टाइगर। पाकिस्तान में हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जान रहा था। रविंद्र कौशिक किसी छलावे की तरह पाकिस्तानी सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में भर्ती हुई, फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री टाइगर के काम आ गई। LLB की डिग्री के जरिए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा हासिल कर लिया, और इस तरह हिंदुस्तानी जासूस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज का अधिकारी नबी अहमद बन गया, और यहीं से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन। क्योंकि सेना में टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज पता करने का जरिया बनने वाला था। हमेशा की तरह पाकिस्तान में उस वक्त भी फौज काफी ताकतवर थी, सुरक्षा से लेकर राजनीति तक हर जगह फौज की घुसपैठ थी।
इसीलिए रविंद्र के लिए जानकारियां जुटाना आसान भी था और मुश्किल भी। पाकिस्तानी फौज में अपनी सर्विस के दौरान नबी अहमद बने रविंद्र ने फौजी हलकों में अपनी पैठ बनानी शुरू की। किसी को उन पर शक ना हो इसके लिए रविंद्र ने वहीं शादी भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी से निकाह कर लिया था और इसी के साथ रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की नज़र में उस पर शक करने की हर वजह को भी मिटा दिया था। 1971 वो दौर था जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब थे। 1971 की हार से बौखलाई पाक फौज भारत से बदला लेने के लिए लगातार साजिशें रच रही थी। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना एक बहुत बड़ी ताकत थी। इधर पाकिस्तान साजिश से रच रहा था, उधर टाइगर एक एक पल की खबर भारत तक पहुंचा रहा था। इस बात का जिक्र खुद आईबी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर एम के धर ने कौशिक पर लिखी अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया है। एम के धर के मुताबिक रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धुरी बन गए थे। रविंद्र कौशिक की वजह से एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी और कई बार ऐसे मौके भी आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी और शायद इसी वजह से देश के तत्कालीन गृह मंत्री एस बी चव्हाण ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। लेकिन आखिरकार टाइगर का राज खुला कैसे? अब तक पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक एक मंझे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना के सीक्रेट प्लान लीक कैसे हो जाते हैं। टाइगर रविंद्र पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल दी। कौशिक के बारे में लिखी गई खबरों के मुताबिक 1983 में इनायत मसीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया। इनायत को रविंद्र कौशिक की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। रविंद्र कौशिक और इनायत के मिलने की जगह फिक्स पहले से थी। रविंद्र कौशिक इनायत को जानते नहीं थे, दोनों को एक कोडवर्ड के जरिए बातचीत करनी थी। लेकिन इनायत अपनी गलती की वजह से पकड़े गए और पाकिस्तानी फौज के गिरफ्त में आ गए। इनायत को पाकिस्तानी सेना ने टॉर्चर किया और सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा ली। इनायत और रविंद्र की मुलाकात एक पार्क में होनी थी। अब कुछ पाकिस्तानी सैनिक कोडवर्ड लेकर पार्क में पहुंचे। रविंद्र कौशिक इन सब से अनजान थे। जब उन्हें कोडवर्ड सुनाई दिया तो वो शख्स से बात करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र कौशिक की हकीकत का पता चलते ही पाकिस्तानी फौज के हुक्मरानों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे वक्त से काम कर रहा था और उनके हर प्लान की जानकारी भारत भेज रहा था। नबी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर लगातार कौशिक को टॉर्चर किया गया। बताया जाता है कि इस दौरान कौशिक को पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया और उनसे राज उगलवाने की कोशिशें की गई, लेकिन जैसा नाम था वैसा ही कुछ इस बहादुर का जज्बा था। हिंदुस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म को सहता रहा। थर्ड डिग्री टॉर्चर को झेलने के बावजूद कौशिक ने मुंह नहीं खोला। सियालकोट सेंटर में जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र कौशिक से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो 1985 में उन्हें मियांवाला जेल में भेज दिया गया और तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही बंद रहे। रविंद्र कौशिक के भाई के मुताबिक रविंद्र ने न केवल अपनी बल्कि पाकिस्तानी जेल में बंद बाकी भारतीयों की खबर भी हिंदुस्तान पहुंचाई। पाकिस्तानियों के जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक की हिम्मत को नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। जेल में कैद के दौरान ही रविंद्र कौशिक दिल की बीमारी और टीबी से पीड़ित हो गए थे, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मौत हो गई। भारत माँ का ये सपूत तो फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्ता जिसने उसे बना दिया हिंदुस्तान का ब्लैक टाइगर। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस बहादुर इंसान की बहादुरी के किस्से के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।